हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मसार। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव यूज ऑफ हैज हैव। मतलब आज हम हैज हैव का जब प्रयोग करते हैं तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं, इसमें हम यहीं पर सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने आपको रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस बताया था। तो जैसे आपने वाज, वेयर और इज, एम, आर का इंट्रोगेटिव में रूल अप्लाई किया था, वही सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। और आप सभी लोगों ने जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा इससे पहले का, उसको देखें, जिससे उनको सारी कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और फिर आइकन को प्रेस करें। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। और टॉपिक में यह है कि रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है। सबसे पहले हम हैज या हैव का, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग किया जाएगा। और साथ में कंप्लीमेंट वर्ड जो है उसका यूज करेंगे। और यहाँ पर जो है पहला हमारा सेंटेंस है, क्या उसके पास किताब है। अब उसके पास मतलब ही एक वचन में आता है, सिंगुलर नंबर आता है, तो उसके साथ हैज लगेगा, तो हैज पहले आएगा। तो हैज ही ए बुक, बस सिंपल सा सेंटेंस हो गया। क्या तुम्हारे पास जूते हैं, तुम्हारे के लिए योर है, तो हैव यू, योर नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, तुम्हारे के लिए रिस्पेक्ट में आता है, तो हैव यू शूज, क्या हमारे पास टीवी है, तो हैव वी टीवी, क्या राम के पास सोना है, हैज राम गोल्ड, क्या मोहन के पास कमीज है, हैज मोहन शर्ट, ठीक है। क्या राधा के पास साड़ी है, हैज राधा ए साड़ी, क्या कविता के पास कलम है, हैज कविता ए पेन, क्या नौकर के पास चाबी है, हैज द सर्वेंट की माने चाबी, क्या हमारे पास घर है, तो यहाँ हमारे बहुत सारे हो गए, तो हैव वी होम, क्या तुम्हारे पास स्कूटर है, हैव यू ए स्कूटर, ओके बच्चा। आगे और सेंटेंस है उसको हम देखते हैं। ये बच्चा सेंटेंसों को देखते हैं। सेंटेंस हमारा जो 11वां नंबर का है, क्या उसके पास घड़ी है, तो हैज ही ए वॉच, क्या उसके पास अनुभव है, हैज ही एक्सपीरियंस, क्या माता जी के पास पर्स है, हैज मदर ए पर्स, क्या तुम्हारे पास तोता है, तो हैव यू ए पैरट, क्या कमल के पास थैला है, हैज कमल ए बैग, क्या सीता के पास भाई है, हैज सीता ए ब्रदर्स, क्या तुम्हारी कोई बहन है, हैव यू ए
एनी सिस्टर, क्या आपकी पत्नी के पास कपड़े हैं? हैज योर वाइफ क्लोथ्स? क्या उसके पास गाय है? हैज ही ए काउ? क्या राम के पास बंदूक है? हैज राम ए गन? आया बच्चों समझ में? आगे के और कुछ समझो कि हमारे आगे ये सेंटेंस में आइए बच्चों देखते हैं रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव में कुछ अंत सौर हैं। क्या हमारे पास खेत है? तो हमारे हैव वी फील्ड? क्या आपके पास रुपए हैं? तो हैव यू मनी? मनी मनी रुपया, पैसे या रुपीज भी लिख सकते हो। क्या पिताजी के पास साइकिल है? हैज फादर ए साइकिल? क्या धोबी के पास गधा है? हैज वाशर मैन ए डंकी? क्या बढ़ई के पास कुर्सी है? तो हैज द कारपेंटर ए चेयर? क्या राजू के पास खेत है? हैज राजू ए फील्ड? क्या तुम्हारे कोई फार्म हाउस है? हैव यू एनी फार्म हाउस? क्या आपकी पत्नी के कोई भाई है? हैज योर वाइफ एनी ब्रदर? क्या उसके पास पुत्र है? हैज ही ए सन? क्या भाई के पास कार है? हैज ब्रदर ए कार? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे अगले वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप सेंटेंस कुछ बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें, जिससे आगे के सेंटेंस करने में हमें और आसानी हो। थैंक्स।